तो यहाँ की बारिश ऐसी नहीं है जैसी पाकिस्तान में होती है, बहुत तेज़ हवा, यहाँ बहुत तेज़ आंधी। यहाँ पे बारिश बड़ी लाइट होती है और जो पानी की बूंदें होती हैं वो आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करती। जैसे पाकिस्तान में तो किलो किलो दो दो किलो की एक कतरा होता है, वो बहुत दर्द होती है अगर आपको तेज़ बारिश में लगे भी ना तो दर्द भी होती है उसे। तो यहाँ पे बारिश बड़ी प्यारी और बड़ी मज़े की होती है, तो इसलिए मैं इंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इट्स नॉट ईजी भाई। बस स्टॉप्स के ऊपर जो है ये यहाँ पे बसेस का नंबर लिखा होता है और साथ टाइम लिखा होता है कि कितनी देर में आ रही है। जैसे मुझे अभी 51 चाहिए और मेरे वाली बस 8 मिनट में आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो बस आ रही है वो 42 ए है सिटी सेंटर, ये 47 मिनट्स में आ रही है। तो इसी तरह ये फॉलोइंग सर्विसेज है, इसके बाद जो जो बसेस आ रही हैं वो सारा नंबर लिखा होगा। अजी दिन ब दिन ठंड वधती जा रही है, अज दिल चो पंजाबी निकल रही है क्योंकि कल मैं अपने दो पंजाबी दोस्तों नूं मिलिया वा जिहड़े कि इंडिया तो सन, तो उन्हां नाल पूरा दिन फिर कल पंजाबी बोली है, तो फिर दिल खुश होया पंजाबी बोल के, काफ़ी देर बाद बोली, इंग्लिश बोल बोल के मूँह नीघा हो गया। आज इसलिए हाले भी सुबह दर थोड़ा पंजाबी मूड चल रहे हैं। जिस बस के ऊपर ट्रैवल करना है वो आपको गूगल मैप के ऊपर समझ आ जाएगा। आप गूगल मैप के ऊपर जब खोलेंगे अपनी डेस्टिनेशन एंटर करेंगे और आपकी करंट लोकेशन वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा, तो आपको खुद ही रिकमेंड करेगा कि आपने इस बस के ऊपर जाना है और कौन सी बस आपको किस स्टेशन से मिलेगी। जैसे मेरा ये लो लेवल स्टेशन है, यहाँ पर मैं आया हूँ, तो वो गूगल मैप आपको खुद ही बता देगा और कितना स्टेप्स हैं, मतलब कितनी देर आपको चल के जाना पड़ेगा, और जो आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको बस उतारेगी वहाँ से आपको फर्दर जो आगे जाना है जिस स्टॉप पे वहाँ पे आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, ये सारा कुछ कैलकुलेटेड होता है उसके ऊपर, गूगल मैप के ऊपर ही। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पाकिस्तान की तरह यहाँ पर मैप अपडेट नहीं करता, यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट होता है मैप जो है, वो आपको सारा कुछ बता देता है। तो अगर तो आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहाँ से ही आपने जिस भी स्टेशन में जाना है, जैसे मुझे लंदन विक्टोरिया जाना था तो वो मैंने स्टेशन पे डाल दिया था कि मुझे उस पर गूगल मैप पे डाल दिया था मुझे लंदन विक्टोरिया स्टेशन जाना है ट्रेन स्टेशन, तो उसने मुझे वहाँ से गाइड किया कि ये शटल पे बैठोगे इतनी देर में तुम्हें लेके जाएगी। तो वहाँ से फिर आगे से मैं अपने दोस्त के साथ उसके रूम में चला गया था। अगर आप उतर रहे हैं उस स्टेशन के ऊपर तो वहाँ से आप अपने गूगल मैप के ऊपर अपनी डेस्टिनेशन डालें और आपको वहाँ से खुद ही गूगल मैप सारा कुछ बता देगा। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने पास कैश ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो फिर आपको कैश से टिकट परचेज करनी पड़ेगी। काफ़ी तकरीबन 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट या 1.5 किलोमीटर मुझे वापस जाना पड़ा अपनी साइकिल पार्क करने के लिए, और इस वक्त बस भी कोई भी नहीं मिलती, तो अब मुझे एक घंटे की वॉक ऑलमोस्ट पैदल करनी पड़ रही है बारिश में। और वेयर हाउस यहाँ से तकरीबन 20 से 25 मिनट की और वॉक है, तो वाह लगता है अल्लाह ने सुन ली है, बारिश थोड़ी रुक गई है। हाँ बारिश थोड़ी रुक गई है, चलो कुछ तो बेहतर हुआ।